अलीगढ़ में दो सगे भाइयों ने किया था आरएसएस पदाधिकारी पर हमला, गोली मारकर लूटी थी बाइक। आरएसएस कार्यकर्ताओं को गोली मारने के मामले में पुलिस ने बाइक की बरामद। 48 घंटे के भीतर घटना का सनसनीखेज खुलासा किया, आरोपियों की पहचान कर ली गई है। एसएसपी ने दी जानकारी, आरएसएस के पदाधिकारी के साथ हुई थी लूट का, 48 घंटे में पुलिस ने किया खुलासा, लूटी गई बाइक पुलिस ने की बरामद, आरोपियों की तलाश जारी। सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय बच्चों की मदद से आरोपियों की हुई पहचान। 16 दिसंबर को श्री नवनीत, जिनकी डॉग फूड सप्लीमेंट की अलीगढ़ शहर में दुकान है, ये अपने गांव जो मडराक क्षेत्र में मकरंदपुर पड़ता है उधर जा रहे थे। रास्ते में इन पर अज्ञात हमलावरों द्वारा, जो कि बोलेरो से आए थे, इनको वहां पर चोटिल किया गया फायरआर्म इंजरी से, और इनका जो मोटरसाइकिल जो ये चला रहे थे उसको वहां पर लूट कर चले गए थे। इस संबंध में पुलिस द्वारा कई सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और जो संभावित जो फोटोग्राफ और गाड़ी का जो फोटोज थे उनको जो कंट्रोल रूम से हम लोगों ने निकलवाए थे उसको जारी करके लोगों को उसको पहचानने के लिए अपील की गई थी। कैमरों की इनपुट से लगभग 200 से ज्यादा कैमरे जो देखे गए और पब्लिक से जो इसको तस्दीक किया गया, मजदूरों की सूचना जो प्राप्त हुई उसके अनुसार सासनी गेट थाना क्षेत्र अंतर्गत साई वाटिका फेस 2 में इन दोनों अपराधियों का रहना पाया गया तथा इनकी पहचान आशीष वर्मा और राजू वर्मा के रूप में हुई, जो कि बर्रा क्षेत्र कानपुर नगर के मुर्धा रहने वाले हैं। इनकी पहचान के बाद जो मोटरसाइकिल जो लूटी थी उसको पुलिस द्वारा बरामद कर लिया गया है। साथ ही यह भी पाया गया कि जो बोलेरो ने इस्तेमाल की थी उसमें गुमराह करने के लिए नंबर प्लेट आदि उसकी बदली हुई थी। विवेचनात्मक कार्रवाई अभी प्रचलित है और इनकी गिरफ्तारी के लिए भी टीमें लगातार तत्पर है और शीघ्र ही इनको गिरफ्तार करने के आदेश दिए गए हैं। घटना का अनावरण 48 घंटे के अंदर किया गया है और इसमें जो अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई है वो शीघ्र पूर्ण करने के लिए आदेशित कर दिया गया है।